पूरे देश में आज स्वर्ण जाति के लोग SC ST कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। ऐसे में फिरोजाबाद में भी इस कानून का विरोध देखने को मिला। फिरोजाबाद में विरोध करते हुए सदर बाजार में एक अर्थी यात्रा निकाली। घंटा घर पर पहुंचकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर इनसे ज्ञापन लिया। पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को संभालने में जुटी हुई है। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। ज्ञापन में क्या मांगे हैं? संशोधन किया उसके विरोध में उन्होंने बहुत सही कई मांगे हैं। अखिल भारतीय सवर्ण संघ द्वारा क्या निकाली गई अर्थी थी? अर्थी निकाली गई थी प्रधानमंत्री की। अच्छा, प्रधानमंत्री की अर्थी। भारत बंद आज दुकानें खुली नहीं, कुछ बंद नहीं, क्या प्रोसीजर रहा और कहाँ पुतला आकर के हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ ये? ये पुतला जलेसर रोड लोहिया नगर गली नंबर 1 से शुरू हुआ था और क्लब चौराहा होता हुआ, थाना कोतवाली होता हुआ, सेंट्रल चौराहे से या घंटा घर चौराहे पे पुतला फूका गया है। आपका ये कहना है कि मिला जुला असर रहा? हमारा ये कहना है पूर्ण रूप से बंद है। कोई इसमें जो है वो नहीं है, कहीं कोई एकाद वो द्वेष बतौर किसी ने अगर कोई खोला है तो खोला है, नहीं पूरा भारत बंद है। फिरोजाबाद पूरी तरह से पूर्ण रूप से बंद हुआ है। क्या मांगे? मुख्य उद्देश्य ये है कि हरिजन एक्ट को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। ये समाज के बीच में ऐसी दरार पैदा की है जिसकी वजह से जो सवर्ण और BC 80% को बिल्कुल कुठाराघात किया गया और 20% को एक तरफा फायदा देने के उद्देश्य से लगा गया है। इसकी अखिल भारतीय खोल निंदा करता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है। अभी जो हमारे लोकसभा सदस्य हैं वो अगर अभी इस्तीफा देकर आते हैं और हमसे यहाँ समर्थन मांगते हैं तो हम उनके समर्थन में आज भी जो है वोट देने के लिए तैयार हैं। अगर